इस एक्सरसाइज में आगे के कुछ क्वेश्चन है सिक्स सेवेंथ और एट जो बिल्कुल सिमिलर है उसके जो ट्रिक्स है टेंथ में आपने सीखा था वैसे ही है, वहां एपी में सीखा था, ये जीपी है क्या देखो थ्री टर्म्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में थ्री टर्म्स वाले क्वेश्चन है थ्री टर्म्स आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन जीपी है जीपी फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन जीपी क्वेश्चन नंबर सेवन में क्वेश्चन नंबर एट ये रहा फाइव टर्म्स वाला कैसा क्वेश्चन है देखो फाइंड फाइव टर्म्स इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024 एंड फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म तो एट्थ वाले क्वेश्चन में यहाँ देखोगे फाइंड फाइव टर्म्स इन जीपी सेवेंथ वाले क्वेश्चन में फाइंड फोर टर्म्स इन जीपी थर्ड सिक्स वाले क्वेश्चन में फाइंड थ्री टर्म्स इन जीपी तो करना क्या और याद क्या रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखो जब भी थ्री टर्म्स बोलेगा तो क्या लेना ए ए अपॉन आर ए इंटू आर ये थ्री टर्म्स जब भी बोलेगा तो इस तरह से थ्री टर्म्स आपको कंसिडर करना है ए जो फर्स्ट टर्म होता है देन उसमें आर का मल्टीप्लाई करो तो सेकेंड टर्म आ गया और उसमें आर से डिवाइड करेंगे तो उसका प्रीवियस टर्म आ गया जब फोर टर्म की बात होगी या फिफ्थ टर्म पहले बताता हूँ सेम ऐसे आएगा ए उसके बाद आर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आर से डिवाइड किया यहाँ पर और आर से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर यहाँ पर आर से वापस डिवाइड किया तो आर स्क्वायर तो ये फाइव टर्म होगा जो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट करें तो ये आपको कंसिडर करना है फोर वाले टर्म में क्या करना है ए फिर आर से मल्टीप्लाई नहीं करके हम आर ए ये फोर टर्म है ना तो आर स्क्वायर और यहाँ पर ए अपॉन आर स्क्वायर नहीं ए लेना ही नहीं है फोर टर्म होगा तो ए करना ही नहीं यहाँ पर क्या होगा ए अपॉन आर लेना है और ए इंटू आर लेना है ध्यान से देखो ए को आर से डिवाइड करो और ए को आर से मल्टीप्लाई करो फिर ए इंटू आर क्यूब और यहाँ पर ए अपॉन आर क्यूब देखो ए अपॉन आर स्क्वायर भी नहीं आएगा ए इंटू आर स्क्वायर भी नहीं आएगा और बीच में ए नहीं आएगा ऑड वाले लेना है ऑड ऑड टर्म्स तो ये याद रखो फोर जब लेना है तो इस तरह से करना है थ्री टर्म्स के लिए ये है और फाइव टर्म्स के लिए ये है तो ये आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स में हेल्प मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेवन में ये फोर टर्म्स वाले और क्वेश्चन नंबर एट अभी हम करते हैं चलो सॉल्यूशन क्या दिया है देखो यहाँ पर फाइंड फाइव टर्म्स इन जीपी तो कंसीडर फाइव टर्म्स आर क्या है देखो ये ए अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर ये हमारे फाइव टर्म्स जीपी में देयर प्रोडक्ट इज 1024 ध्यान से देखो उनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इन सबका मल्टीप्लाई करके 1024 आता है ओके देयर प्रोडक्ट इज 1024 मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर आंसर आता है 1024 सबको मल्टीप्लाई किया ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा आर एंड आर कैंसिल यहाँ पर देखो ए ए ए ए ए फाइव टाइम्स ए इज इक्वल टू 1024 ये 1024 अगर करते हैं तो ये भी अभी इसको हम करेंगे 1024 को ऐसे हम करते 1024 ध्यान से देखो 2 2 2 2 2 2 इस तरह से करते गए कितने बार आया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 टाइम्स आया मतलब ये 2:10 है 2:10 है a^5 2:10 अब हम लोग को ये ऐसे करना चाहिए कि यहाँ पर दोनों का पावर सेम आ जाए तो देखो ये 4 4 4 4 4 देखो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 अगर ये 2:10 है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है 5 और 10 यहाँ पर a और 2 तो है यहाँ 5 5 सेम लाना चाहिए तो हम क्या करते हैं 4 × 4 × 4 × 4 देखो 4:5 करते इसको 4:5 अब दोनों का पावर सेम हो गया 5 5 तो बेस भी सेम होगा देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 हमें फर्स्ट टर्म मिल गया a इज इक्वल टू 4 कैसे मिला देखो अभी कोई बोलेगा सर 4:5 क्यों लिए 2:10 क्यों नहीं लिए बिकॉज यहाँ पावर 5 था इसके लिए हमने ये ऐसे बेस रफ में करके हमने देखा 2:10 के बदले 4:5 कर दिया अब हमको a तो मिल गया हमको करना क्या फाइंड फाइव टर्म्स ये जो पूरे फाइव टर्म्स है ये फाइंड करने हैं ए तो मिल गया बट आर भी तो आना चाहिए तो उसके लिए सेकेंड कंडीशन दिए देखो फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म
यानी क्या देखो, ध्यान से देखो, फिफ्थ टर्म क्या देखो, 1 2 3 4 5 ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म इज मतलब इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म 1 2 3 थर्ड टर्म ए, तो थर्ड टर्म का स्क्वायर है, तो कैसे हो जाएगा देखो, ये आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ये ए इंटू इधर आके डिवाइड हो गया, ए ए किसे कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए कितना था देखो 4, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो आर इज इक्वल टू 2 इधर आया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब क्या देखो, रूट 4 है तो प्लस माइनस भी आएगा, कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये स्क्वायर इधर गया तो स्क्वायर रूट, लेकिन कभी भी प्लस माइनस भी लेना पड़ता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो, क्योंकि कॉमन रेशियो ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, सो आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। अब देखो आर मिल गया और ए मिल गया, अब हमें ये फाइंड करना है, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए ए आर, ए आर स्क्वायर। सो इफ ए इज इक्वल टू 4 एंड आर इज इक्वल टू प्लस 2, ध्यान से देखो ए 4 है और आर अगर प्लस 2 है, ये पहला केस, और दूसरा केस क्या है, इफ ए इज 4 एंड आर इज माइनस 2, ये सेकेंड केस, तो इन बोथ द केसेस वी विल हैव डिफरेंट नंबर्स ओवर हियर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए ए आर, ए ए मतलब 4, आर स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 4, 4 इंटू 2 4 इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4, क्या जाएगा देखो, ये 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 4 4 टू जा 8 16, दीज आर द नंबर्स ओके इन जीपी, आर इन जीपी, यू कैन राइट लाइक दिस। अगर ए 4 लेते हैं यहाँ पर, ए 4 एंड आर स्क्वायर मतलब माइनस 2 स्क्वायर, ए 4 माइनस 2, ए 4 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 स्क्वायर, अब देखो नंबर चेंज क्या हो रहा है, 4 माइनस 2 स्क्वायर 4, ये हो गया माइनस 2 4, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 2 स्क्वायर 4 4 सा 16, और ये 4 4 से 4 कैंसिल होके 1 आ गया, ये डायरेक्ट कर देते 1, सो आर इन जीपी, दो सेट आ गए जीपी में, ये जो 5 नंबर से, सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड 5 टर्म्स आर 1, 2, 4, 8, 16 और 1, -2, -4, -8, 16, इस तरह से हम लोगों को दो सेट मिल गया कि ऐसे 5 नंबर ये हो सकता है या ये हो सकता है, फाइनल आंसर में लिखोगे। ये 8th वाला क्वेश्चन था, 6th और 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वहाँ पर स्टार्टिंग में जो कंसीडर करना है, कंसीडर 4 टर्म्स या तो 3 टर्म्स, वो ये ले लेना, 3 टर्म वाले क्वेश्चन में ये, 4 टर्म्स वाले में ये, उसके बाद इसके अंदर कंडीशन दी होती है, जैसे कि सच दैट देयर प्रोडक्ट इज दिस, एंड सेकेंड कंडीशन, दो कंडीशन दी होगी हमेशा, तो दोनों कंडीशन को जो है कैलकुलेट करके ए और आर की दो बार वैल्यू निकालने की। तो इस तरह से हम लोग को 8th क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया, इसको कॉपी कर लो, 6th और 7th खुद से करो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में अब जा रहे हैं हम 9th वाला क्वेश्चन करने, दिया क्या है देखो, वर्डिंग में दिया मैंने, शॉर्टकट में लिखा, फिफ्थ टर्म ऑफ एन जीपी इज एक्स, 8th टर्म ऑफ द जीपी इज वाई, 11th टर्म ऑफ द जीपी इज जेड, ये दिया हुआ है, वेरीफाई दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये करना है। देखो हमको एक फॉर्मूला पता है फॉर जीपी, वी हैव टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू एन माइनस 1 फॉर जीपी, जीपी के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म है, अगर मैं टी एन की जगह पर एन की जगह पर 5 लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर, एन की जगह पर 5 माइनस 1 हो जाएगा, एंड 8th टर्म के लिए टी 8 करते, टी 8 इज इक्वल टू ए आर 8 माइनस 1, एंड 11th टर्म के लिए यहाँ पर टी 11 करना, ये हो जाएगा ए आर 11 माइनस 1, दैट इज ये होने वाला टी 5th टर्म इज ए आर 5 माइनस 1 4, एंड टी 8 8th टर्म इज ए आर 8 माइनस 1 7, एंड 11th टर्म इज ए आर एस टू 10। तो ये हमने निकाल लिया फिफ्थ टर्म क्या होना चाहिए, 8th टर्म और 11th टर्म अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फिफ्थ टर्म है वो एक्स है, 8th टर्म वाई 11th टर्म जेड, वेरीफाई दैट दिस वाई स्क्वायर इज एक्स जेड को प्रूफ करना इक्वल है। तो यहाँ से हम LHS लेते हैं, LHS क्या है देखो, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब क्या होगा देखो, यहाँ पर y इज इक्वल टू वॉट टी एट है, यहाँ पर गिवन y इज इक्वल टू टी एट, तो वाई स्क्वायर मतलब टी एट स्क्वायर, और टी एट यहाँ से देखो, टी एट हमने क्या फाइंड आउट किया, ए आर रेस टू 7, ए आर रेस टू 7 उसका स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों का होगा ए स्क्वायर, और आर रेस टू 7 टू जा 14 हो गया, तो
ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखते क्या है, राइट हैंड साइड है यहाँ पर जो प्रूफ करना है एक्स इंटू जेड, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है देखो यहाँ पर फिफ्थ टर्म इंटू, ये इंटू है जेड, जेड मतलब इलेवेंथ टर्म, इसको सॉल्व करते फिफ्थ टर्म यहाँ से हमने निकाला था ए आर रेस टू फोर इंटू टी इलेवन ए आर रेस टू टेन, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ए इंटू ए ए स्क्वायर, आर का पावर देखो फोर और टेन है दोनों मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा फोर टेन फोर्टीन, यहाँ से जो एल एच एस आया था ए स्क्वायर आर एस टू फोर्टीन था, आर एच एस भी ए स्क्वायर आर एस टू फोर्टीन आया, सो आई कैन राइट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड दैट जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है, क्या प्रूव करना था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था बट बहुत ही ईजी था। टेंथ वाला क्वेश्चन देखो ये भी ऐसे ही है, पी क्यू आर एस आर इन जी पी दिया हुआ है, पी क्यू आर एस फोर टर्म्स आर देयर विच आर इन जी पी एंड शो दैट पी प्लस क्यू Q प्लस आर एंड आर प्लस एस विल बी इन GP, तो कैसे करना है देखो यहाँ पर शो दैट है प्रूफ, आप लिख सकते हो इस तरह से पी क्यू आर एस इन GP, तो यहाँ लिखना है सिंस पी क्यू आर एस आर इन GP, अगर कोई GP में है तो कॉमन रेशियो आपको पता है Q को डिवाइड किया P से एंड R को डिवाइड किया Q, S डिवाइडेड बाय R, ये रेशियो कॉमन है वो इक्वल होता है, उसको कॉन्स्टेंट एक K कंसिडर करना, यहाँ से देखो S की वैल्यू क्या हो जाएगी R इंटू के, एस इज आर के, आर वैल्यू जो है ये Q इंटू के हो जाएगा क्यू के, और Q की वैल्यू हो जाएगी P इंटू के पी के, इस तरह से हमने वैल्यूज निकाल ली Q R एंड S की। अब प्रूफ क्या करना है देखो, शो दैट P प्लस Q Q प्लस R R प्लस S आर इन जी पी, अगर यहाँ पर लिखना है टू प्रूव दैट P प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस एस आर इन जी पी, इसका मतलब क्या देखो इसको प्रूफ करना है, तो जैसे ये जी पी में तो हमने ये रेशियो लिखा, वैसे हम लिख सकते हैं टू प्रूफ दैट डिवाइड कर दे क्यू प्लस आर दिस डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू एंड आर प्लस एस दिस डिवाइडेड बाय क्यू प्लस आर, ये दोनों जो रेशियो आएगा वो इक्वल होना चाहिए, ये प्रूफ करना है, अगर ये रेशियो इक्वल आया तो वो जी पी में है। अब ये रेशियो इक्वल आने के लिए क्या करोगे, एल एच एस कंसिडर करना, एल एच एस, एल एच एस क्या है देखो, एल एच एस है क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू, इसको सॉल्व करते देन आर एच एस लेना, आर एच एस यानी राइट हैंड साइड ये है आर प्लस एस क्यू प्लस आर, दोनों का आंसर सेम आया तो प्रूफ हो गया। क्यू क्यू यहाँ देखो क्यू आर और एस की वैल्यू है, यहाँ पर क्यू को क्यू रखते आर आर देखो यहाँ पर क्यू के है इस तरह से क्यू के पी एंड क्यू है यहाँ पर, तो पी पी यहाँ वैल्यू नहीं है पी पी प्लस क्यू क्यू की वैल्यू पी के है इधर इस तरह से किया, तो अब यहाँ पर क्यू कॉमन हो गया ऊपर वन प्लस के आ गया, यहाँ पर पी कॉमन वन प्लस के आया, कैंसल आउट हुआ आंसर आया क्यू अपॉन पी, यहाँ पर देखो आर प्लस एस आर क्यू के और एस आर के, तो एक काम करो R को R रखो और S को चेंज करो, दोनों को मत चेंज करो एक को ही चेंज करो, देन Q Q इज पी के एंड R इज क्यू के, तो क्यू को मत चेंज करो सिर्फ R को चेंज करो क्यू के, R कॉमन वन प्लस के आ गया, यहाँ पर Q कॉमन वन प्लस के आया, कैंसल आउट हुआ R अपॉन Q, देखो यहाँ पर क्या आया Q अपॉन P R अपॉन Q, और यहाँ देखो Q अपॉन P और R अपॉन Q क्या था इक्वल था, इसको इक्वेशन नंबर वन दे सकते हैं वन टू थ्री, बट यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम वन Q अपॉन P इज इक्वल टू दूसरा क्या था R अपॉन Q, ये दोनों इक्वल थे फ्रॉम वन, ये देखो ये दोनों इक्वल थे ये दोनों, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस proved that जो क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था देखो, क्वेश्चन था P प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस एस आर इन जी पी, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बट एक बार प्रैक्टिस होगा तो ही आपको समझ में आएगा, क्या करना था पहले जो पी क्यू आर एस जी पी है उसको रेशियो करके हमने के लिया और यहाँ पर ऊपर जो न्यूमरेटर में उसके लिए वैल्यू फाइंड की, देन ये जो शो दैट करना है उसको कंसिडर किया कि इसको प्रूफ करना जी पी है, इसको भी डिवाइड करके कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में किया,
अगर ये जीपी होगा तो ही आएगा, तो प्रूफ करना है। इसलिए एलएचएस की वैल्यू निकाला, आरएचएस की वैल्यू निकाला, दोनों वैल्यूज फ्रॉम वन इक्वल है, देयरफॉर एलएचएस आरएचएस इक्वल है, देयरफॉर ये जीपी में है। कॉपी करो। 10 क्वेश्चंस हो चुके हमारे इस एक्सरसाइज में। अब 11th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करते, बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ, टेक्स्ट बुक सामने रखे आप सिर्फ देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है 11th वाला, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर। क्वेश्चन का मतलब ये 11th में कि कोई एक कंटेनर है, उसमें कुछ लिक्विड है, कल्चर है, इसके अंदर बैक्टीरियाज है, तो वो जो बैक्टीरिया है उसका नंबर हर एक घंटे में एवरी आवर डबल हो रहा है, यानी कि जो आर वैल्यू है वो दी हुई है डायरेक्ट 2, नंबर डबल्स एवरी आवर, हर एक घंटे के बाद। अगर पहले 10 बैक्टीरिया थे तो नेक्स्ट एक घंटे के बाद 20 बैक्टीरिया, इस तरह से डबल हो रहा है। क्वेश्चन की मीनिंग समझो, टेक्स्ट बुक सामने रखो। इफ देयर वेयर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर। यानी कि ओरिजिनली सबसे पहले 50 बैक्टीरिया थे स्टार्टिंग में और हर घंटे में डबल हो रहे थे, तो आफ्टर 5th आवर मतलब N5 होने के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। सो यानी टोटल नंबर TN फाइंड करना है। वी हैव TN इज इक्वल टू A इंटू आर रेज टू N माइनस 1। TN जो है 5th आवर में बोला गया है, A 50 है, इंटू आर इज 2, N माइनस 1, N 5 है, 5 माइनस 1, 50 इंटू 2 रेज 2, 5 माइनस 1 इज 4, 50 इंटू 2 to the 4, N 16 होता है, 2 रेज टू 4, तो ये हो गया। अभी सॉल्व करेंगे इसको, 800 आ गया। सो टी 800, दिस इज व्हाट बैक्टीरिया। सो फाइनली आप आंसर लिखते हो, आफ्टर 5th आवर 800 बैक्टीरिया विल बी देयर इन कल्चर। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था, वर्डिंग में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको आप समझो, ये चीजें निकालो और आपको करने आ जाएगा ये। तो इस तरह से 11th है। अब 12th वाला क्वेश्चन देख लेते क्या है। 12th वाला भी समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप खुद टेक्स्ट बुक में देखो, मैं पढ़ रहा हूँ। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 फीट, मतलब कि सपोज ये ग्राउंड है और ये 80 फीट की हाइट है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया जमीन पे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 80 फीट हाइट अबव द ग्राउंड एंड इन सच दैट इट rebounds 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज fallen। यानी कि जब उसको बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ये वापस rebound होता है और ये जो पूरी हाइट है उसका 3/4 हाइट यहाँ तक रिटर्न आता है, 3/4 हाइट तक हर बार। पहली बार में फर्स्ट rebound में यहाँ आ गया, पूरी हाइट 80 की कवर नहीं हुआ, 80 से कम हुआ 3/4, वापस से rebound होगा तो उसका भी 3/4 हाइट पे आएगा, देन अगेन इट विल rebound, देन अगेन 3/4, अगेन हर बार हर रिबाउंस होते समय उसकी 3/4 हाइट कम होती है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्या क्वेश्चन है देखो। हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंस ऑन 6th bounce, यानी जब 6th bounce होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, एंड हाउ मच डज द बॉल रिबाउंस ऑन nth bounce। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्यूशन। ओरिजिनली जो हाइट थी वो 80 फीट थी, फर्स्ट हाइट इज 80 फीट, इसका जो कॉमन रेशियो हर बार जो 3/4 से डिवाइड डिक्रीज हो रहा है 3/4 इस तरह से, सो हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस के बाद क्या होगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी। जब वो पहली बार बाउंस होगा तो ओरिजिनली 80 था, उससे कितनी कम हो जाएगी, 3/4 इस तरह से कम हो जाएगी। सो हाइट यहाँ पर 3/4 यानी पहली बार है इसलिए एक बार कम होगा, देन हाइट आफ्टर 6th bounce, 6 बार बाउंस होने के बाद कितना होगा पूछा है, सो 80 इंटू 3/4:6 ये होगा आफ्टर 6th bounce। क्वेश्चन में और पूछा गया है कि व्हाट विल बी द हाइट आफ्टर nth bounce, तो हाइट सेम आफ्टर nth bounce क्या आएगा, देखो ये रिपीट सेम नीचे लिखना, 6th bounce पे ये जो है इसमें 6 है तो nth bounce में आपको क्या करना है, ये जो 3/4 है 6 है वहाँ पर n कर देना है, तो ये nth bounce में, इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इतना रख देना। तो ये 12th का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद देखो 13th वाला क्वेश्चन क्या है, वो भी देख लो क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। 13th क्वेश्चन है, द नंबर 3x and x+6, ध्यान से देखो 3x x+6 आर इन जीपी, ये 3 नंबर जीपी में है, फर्स्ट फाइंड करना है एक्स
और सेकेंड फाइंड करना है 20th टर्म एंड nth टर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 20th टर्म एंड nth टर्म फाइंड करना है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले ये जीपी में है, सॉल्यूशन 3x x प्लस 6 आर इन जीपी। कोई भी थ्री नंबर्स अगर जीपी में, तो ऐसे आप करते हो x अपॉन 3 इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट, x इंटू x एक्स स्क्वायर, 3 इंटू दिस 3 इंटू x 3x प्लस 3 6 18। इस तरफ लाओ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर लो, 18 आना चाहिए माइनस 18 और 3 आना चाहिए 6, 3 जा ये निगेटिव है, बड़ा वाला निगेटिव पॉजिटिव। तो शॉर्टकट किस तरह से करते हैं देखो, इसमें x है तो दोनों में x कर दो और ये माइनस 6 प्लस 3 ले लो यहाँ पर, माइनस 6 प्लस 3 तो ये हो गया x माइनस 6 इज 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x वैल्यू विल बी माइनस 6 उस तरफ गया तो प्लस 6 और x इज माइनस 3। तो सबसे पहला जो x निकालना था वो आ गया है, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू माइनस 3। अभी जो टर्म्स निकाल लो, देयरफॉर द टर्म्स आर क्या आएगा देखो, 3 कॉमा ये x की वैल्यू कितनी है 6, टर्म्स आर 3 6 और ये अगर 6 रखेंगे तो 6 प्लस 6 12 और ये या तो ये आएगा x की जगह 6 रखा तो अब x की जगह माइनस 3 रखो तो 3 x की जगह माइनस 3 रखना, माइनस 3 प्लस 6 3, माइनस 3 प्लस 6 3 आ गया, यानी हमारा जो टर्म आएगा वो क्या आएगा 3 6 12 आएगा या तो 3 माइनस 3 3 आएगा। अब देखो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a इज इक्वल टू 3 है, जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर देखो कि देखो एक बार ये जीपी है और एक बार ये जीपी है, कॉमन रेशियो यहाँ से देखोगे r इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 तो 2 है और r इज इक्वल टू यहाँ से देखोगे माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 है। सो दो दो r है अलग अलग। अब आगे क्या क्वेश्चन है देखो, 20th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो, एक बार a 3 और r 2 लेके t20 फाइंड करना और दूसरी बार क्या करना a 3 और r माइनस 1 लेके t20 फाइंड करना। फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1, ए और आर वैल्यू पता है और ये 20th टर्म मतलब एन 20 है तो इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा, nth टर्म मतलब टी एन फाइंड करना है। ओके तो ये बहुत ही ईजी है, इसको इस तरह से 13 को सॉल्व करना। अब ये 13 क्वेश्चन होगा, इसके बाद दो क्वेश्चन और है 14th और 15th, उसमें ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाता है टोटल 15 क्वेश्चन के साथ। ये जो अगर आपने अच्छे से सीखा है तो 14 15 आप खुद से कर पाएंगे, खुद से कर लीजिए घर पे, वो बहुत ही आसान है वो भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो भी सीक्वेंस इस तरह से दिया होता है तो उसका SN फाइंड करना, जो SN स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया समेशन ऑफ n टर्म्स, वो हम सीखेंगे, कॉपी करो इसको।